बस उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। लेकिन किस तरह भरोसा रखेंगे, क्योंकि खुद भाई एक क्रिमिनल है। ये हमारे इंडिया का डार्केस्ट साइड रियलिटी, जो इतने इन्होंने, इतने बड़े एक्टर्स ने, इतने बड़े डायरेक्टर्स ने इतने प्यारी तरह हमारे तक पहुंचाया। बिग सैल्यूट, बिग सैल्यूट। क्या कैरेक्टर, क्या स्टोरी। आई लव यू ऑल मैन। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आज हम फिर से देखने जा रहे जवान मूवी का सीन का रिएक्शन। जिस तरह हमने पिछले सीन में देखा था हमारा शाहरुख खान सर कितनी आसानी से निकल गए भाई उन सब पुलिस वालों के सामने से, और पुलिस वाले पकड़ भी नहीं पाए। और उससे बड़ी बात ये कि उनको कैसा पकड़ेंगे, क्योंकि ये खुद एक पुलिस ऑफिसर है, और उससे बड़ी बात जो उनके साथ थे वो सब के सब एक क्रिमिनल है और खुद एक जेल में। तो किस तरह इनको पकड़ेंगे, किस तरह हम सबके सामने लाएंगे, उसको देखना बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ज़्यादा फन हमें देने वाला है। तो मैं बस ये कहूंगा यार, जो लोगों ने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा जल्दी आके देख लो, उसको देखने के बाद ही तुम्हें समझ आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ। और यही बोलूंगा कि भाई ये सीन में अपन ये भी देखने वाले इस बच्ची का मॉम कौन है। तो मेरे को तो पता है, मेरे जैसे जो बंदे लोग ने मूवी को देख लिया उनको तो पता है, लेकिन जो लोगों ने नहीं देखा ना, आप लोग चौंक जाएंगे, मेरे साथ बता रहा हूँ, आप लोग चौंक जाएंगे। ठीक है, तो मैं बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट शुरू करना चाहता हूँ, तो आप सब बने रहो। ठीक है, तो बिना कोई वक्त देगा जल्दी शुरू करते हैं। तो चलो मेरे भाई और उनकी बहनों शुरू करते हैं। भाई ये जो आगे की जो बंदी निकलने वाले ना, तुम पागल होने वाले, सच्ची पागल। तो शुरू करते हैं इन 3-2-1 लेट्स गो। मम्मा देखो कौन है पुराना, तुम चौंकने वाले हो भाई। सुजी मम्मा, do you know who I am? Yes. नर्मदा, no. Head of Force One. अंजलि ने बेलमबाड़ा महिला जेल मैडम सर। अरे क्या कर रहे हो? मुझे अब जब वो कुछ से पूछा, आप मुझे जानते हो? हाँ मुझे जानते हो। फिर बोलता नहीं नहीं कड़क करते हो, कौन एक्टिंग? मम्मा, do you know who I am? Yes. नर्मदा, no. Head of Force One. अंजलि ने बेलमबाड़ा महिला जेल मैडम सर। अरे क्या कर रहे हो? Put your hands down. Yeah. मम्मा ये वही है। कौन? जिसे आप ढूंढ रहे थे। शादी के लिए। सुजीत, दिस इज नॉट कूल। बट ही इज सो कूल। आई एम वेरी गुड। डोंट मेस इट अप, बडी। सुजीत, कम हियर। थैंक यू नर्मदा जी। मैंने बॉस्टन से अपना मास्टर्स किया था, एक रिलेशनशिप में थी। एक दिन पता चला, बॉडी मजबूत मेंटेन किया भाई ने शाहरुख खान से। उसने कहा उसके पेरेंट्स से तभी बात करेगा जब मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। मैंने शादी की बजाय सुजी को चुना। एक माँ होने के नाते मैंने सुजी को सब कुछ दिया, लेकिन एक पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो एक भरोसा होना चाहिए, you know? जो तुम्हें यकीन दिलाए कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए तो तुम लड़ लोगे। आज पहली बार वो भरोसा मैंने सुजी की आंखों में तुम्हारे लिए देखा। देखो ना, जो रिश्ता तोड़ा था, वो भी सुजी के लिए। और आज अगर एक नया रिश्ता जोड़ूंगी तो वो भी सुजी के लिए। बस उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। लेकिन किस तरह भरोसा रखेंगे, क्योंकि खुद भाई एक क्रिमिनल है। सो तुम्हारा जो भी फैसला हो सोच समझ के बता देना। मैं भी सुजी जैसा हूं, मैंने भी अपने पिता को कभी नहीं देखा, तो ये भरोसा क्या होता है? मैंने महसूस नहीं किया। मेरी माँ तो बचपन में ही, इसलिए कावेरी अम्मा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन आपने मुझे अपने सूजी के बारे में इतना सब बता दिया, तो मैं भी अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? कि मैं क्या काम करता हूँ, क्यों करता हूँ भाई, पूरा सच पता देगा, कैसे करता हूँ और ये सब। पापा, डैडी, पॉप्स, मैं सोच रही थी कि अगर मम्मा हाँ बोले तो मैं आपको क्या कहके बुलाऊं। मम्मा आपको क्या है? आपको बैकग्राउंड
मैं नहीं कर सकता रिएक्शन क्योंकि मेरे को ब्लॉक आ जाएगा, मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। चाहकर भी नहीं कर पा रहे हम। जस्टिस फॉर और बहनों, स्वास्थ्य मंत्रालय का मतलब संभालने के बाद मैंने सारे सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया। अच्छा, ये वर्ल्ड क्लास मॉडर्न बेड फैसिलिटीज है, लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स मैंने डलवाए हैं, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर्स। अनु फास्ट फास्ट, हर चीज की सुविधा है अगर का रियलिटी के साथ सोशल इश्यूज को ये लोग लेके आए ना भाई, मेरे को तो ये मूवी मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब ऐसा चीज बोलना चाहता हूँ कि आप रियल जब आप मतलब एक आपको मतलब ना उस स्मॉल विलेज या स्ट्रीट में या आप उस जगह पे रहते हो ना जहाँ पे ऐसे पॉलिटिशियन आके बड़े बड़े बचत दे के जाते और कुछ काम नहीं करते, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आके सर वोट दे दो सर वोट दे दो सर वोट दे दो, वो आपको रियलिटी पता चल रहा है। देखो ना किस तरह उन्होंने जहाँ पे ये बोल रहा है और साइड बाय साइड उन लोग को आप उनको वो शॉर्ट्स दिखा रहे कि रियलिटी क्या है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत यहाँ अच्छा। खड़े खड़े कोई मेरे सीने में गोली भी मार देना तो मुझे जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं, पास के सरकारी अस्पताल में ले जाना, मैं वहां पर बचा लिया जाऊंगा। अगर यकीन नहीं आता तो चलाओ गोली मेरे सीने में, मारो मुझे। दम दम दाना दाना दम दम वाओ वाओ। मंत्री जी कहाँ है? मंत्री जी दूसरी गाड़ी में आगे ले भाई। कहाँ निकले रे एम्बुलेंस को? कौन है तुम लोग? क्या हो रहा है भाई? बहन कहाँ लगे थे मंत्री जी को? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में जिसकी सर ने अभी इतनी तारीफ की। वो सब सच मत माना करो, वो सब झूठ होता है। सच मत मानो, झूठ है। अरे इनकी जगह तीन चार डॉक्टर और बुलाओ ऑपरेशन के लिए। तीन चार डॉक्टर? साले तुम लोग को शर्म आता है क्या? तुम लोग को तुम लोग जो कर्म कर रहे हो उसमें तो शर्म आता है क्या? साले के साथ वो होना ही चाहिए था, वो उससे बुरा हो साले। अरे गोली लग चुकी है, अब क्या होगा इतना सारा बंदोबस्त करके? हमने मंत्री जी का किडनैप कर लिया है। किडनैप मंत्री जी का? मंत्री जी का तो अभी समझ में आया, चुपचाप मुंह बंद करके बैठ वरना एक गोली तेरे मुंह में भी जाएगी। किडनैप मार मारो साले को। Roll. I'm set. Good to go, Chief. Namaskar, good to go, Chief. मैं हूँ विक्रम राठौर और हमने किया है हेल्थ मिनिस्टर का दिन दिहाड़े किडनैप। पर क्या एक सरकारी अस्पताल हमारे स्वास्थ्य मंत्री की जान बचा पाएगा या नहीं? Let's start the show now. क्या एक्टिंग आज़ापतोपा मजबूत किया भाई, मजबूत। मंत्री की जान बचा पाएगा या नहीं? हेल्थ मिनिस्टर सर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है,
अगर इनकी लाइफ को सेव करना है तो हमें अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर उसके लिए जिसकी जरूरत है वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। अरे जो 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 चाहिए मांग लो, मैं ऊपर बात कर लूंगा। मांग एक जनरल सर्जन नहीं बल्कि एक कार्डियो सर्जन बेटर रहेगा, सीनियर एनेस्थेसिस्ट, ऑपरेशन थिएटर स्टाफ, वेंटिलेटर सपोर्ट, मास्क, ग्लव्स, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी सर। 10 कॉटन के बंडल। तुम्हारे हॉस्पिटल में बोर्ड के अलावा कुछ रहा नहीं क्या? है ना, तुम लोग ने बनाया हुआ इतना बड़ा विक्टोरी इंटरनेशनल हॉस्पिटल। हेलो नर्मदा जी, सच आपकी कमी बहुत खल रही थी। इस बार कितने पैसे चाहिए? सच सिर्फ और सिर्फ 100%। सच मैं समझी नहीं। 3 साल पहले आज ही के दिन इसी अस्पताल में एक सच को एक पत्ते और पतनुमा चूक का जामा पहना दिया गया था। मिस्टर के जॉर्ज आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन दिनों इस अस्पताल की टीम हुआ करते थे। उनसे कहिए टीवी पर आए और इस सच को कबूल करें, और अगर उन्होंने इस सच के साथ जरा सी भी मिलावट की तो फिर आप लोग एक फूलों की माला तैयार कर लीजिएगा अपने। आवाज देखो ना, आवाज आवाज हेल्थ मिनिस्टर के साथ आवाज में दम है भाई, आवाज में। कड़क सर, जॉर्ज बोल दो सच। सच बोल दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। नहीं बोलेंगे तो जान चली जाएगी। मैं अकेला नहीं हूँ सर, ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर सर भी। वो मेरा जीजा है, मैं ही संभालूंगा। तुम बोल दो सच। ओके सर। हॉस्पिटल हाईजैक केस ने लिया नया मोड़, हेल्थ सेक्रेटरी ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं के जॉर्ज, हेल्थ सेक्रेटरी। आज से ठीक 3 साल पहले 27 फरवरी को एक के बाद एक 60 बच्चों को इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था। सास बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर आए क्या? इस पर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सपोर्ट मिलेगा, डीन को इन्फॉर्म करो जल्दी। डॉक्टर एक मिनट। बोलो सर, हमें बोला गया था कि शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टॉक आ जाएगा, पर अभी तक आया नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन है सर, 50 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी का सवाल। देखो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व थी इन सारे मैटर्स में। फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, सिलेंडर्स पहुंच जाएंगे। सर अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो मैं ऊपर तक जाके कंप्लेन करूंगी, चाहे मुझे हेल्थ मिनिस्टर तक ना जाना पड़े। हेल्थ मिनिस्टर? कॉटन से लेके कार्डियोलॉजी इक्विपमेंट तक कुछ भी खरीदना होता है हॉस्पिटल में, वो तभी सैंक्शन होता है जब उसमें हेल्थ मिनिस्टर से लेके डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, परचेस डिपार्टमेंट, टेंडर कमेटी, बिचौलिए, मेरे जैसे टीम, सबका कमीशन परसेंटेज फिक्स होता है। कमीशन के बगैर एक छोटी सी फिनाइल की बॉटल तक हॉस्पिटल के अंदर एंटर नहीं करती। जितनी ऊपर कंप्लेंट करने जाओगी ना वो उतना ज्यादा कमीशन खाकर बैठा होगा। जाओ जितना ऊपर जाना है उतना। कैसे लोग हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जल्दी शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए, ये अम्बु बैग्स हैं, इसका इस्तेमाल हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने पर करते हैं। ये बच्चों के मुंह पे अच्छे से लगाना है और एक रिदम में ऐसे दबाना है। सिलेंडर्स आने तक अगर आप ये नहीं करते रहे तो बच्चों की जान भी जा सकती है। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। गुरु प्लीज संभाल लेना, मैं जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं संभाल। हमारा रियलिटी, इंडिया का रियलिटी। एक एक सांस तिलकती वे बोलियां, जिंद नू ले गई लालच दी गोलियां, टूटे रब दा आसमां, उड़ जा मेरे पंछिया। हो तेरे काबिल नहीं दुनिया, उड़ जा मेरे पंछिया। झूला हो चेता, छोटे छोटे बच्चे सजा, टूटे रब दा आसमां,
उड़ जा मेरे पंछे। पेडियाट्रिशियन ऑन ड्यूटी डॉक्टर इरम ड्रग्स के नशे में थी। देखो मतलब जो बंदी जिसने रो रो के लोगों से भीख मांग मांग के कि भाई सिलेंडर दे दो, वो बंदी सबको बचाने की कोशिश कर रही थी और उसको ही क्रिमिनल बना दिए लोग ने। ये हमारे इंडिया का डार्केस्ट साइड रियलिटी, जो इतने इन्होंने इतने बड़े एक्टर्स ने इतने बड़े डायरेक्टर्स ने इतने प्यारी तरह हमारे तक पहुंचाया। देख सकते ब्लड के रिपोर्ट से साबित हो चुकी है ड्रग के नशे में डॉक्टर हिरम द्वारा दी गई गलत ट्रीटमेंट की वजह से उन 57 बच्चों की जान गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से नहीं। ये अदालत डॉक्टर हिरम को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है और मेडिकल काउंसिल को सलाह देती है कि डॉक्टर हिरम का लाइसेंस 2 साल के लिए इमीडिएट इफेक्ट से रद्द किया जाए। चप्पल से मार रहे ये डॉक्टर हिरम जो है ना, ये हिरम हमारे मेडिकल सिस्टम के नाम पे एक थप्पा है। तो मारेगा ना तेरे को। तो ये है कि उन सब बच्चों के मौत का असली जिम्मेदार मैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इरम नहीं है। तकिए लो इसके मुंह पे रखो, तब तक दबाओ जब साले का दम ना निकल जाए, किसी से छू तक नहीं करूंगा। अमित जब किसी भी और डिपार्टमेंट में गड़बड़ होती है ना, तो उसे महज स्कैम कहकर छुपा दिया जाता है। मारो साले। अच्छा, मेडिकल सिस्टम में ऐसा होता है तो वो स्कैम नहीं होता, वे कहते हैं आते हैं। तो मुझसे क्या चाहते? मैंने आपको 234 सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट ईमेल की है। डन। यस सर। तो अगले 5 घंटे में ये सारी चीजें इन अस्पतालों में मुहैया हो जानी चाहिए, इनमें से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। पर इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। मंत्री जी के पास पूरे 10 साल थे ये काम खत्म करने के लिए। मैं आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। क्या बात है। सो टुडे टाइम इज लाइफ। मारो मारो। और डेथ टिक टॉक टिक टॉक। उसके आईज के थ्रू बता टिक टॉक। वाओ क्या क्या सिनेमेटोग्राफी। वाओ। हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम राठौड़ हैज गिवन 5 hours टू फिक्स दिस सिस्टम। सालों से हम एक बदहाल हेल्थ सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम राठौड़ ने सिस्टम को इन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए केवल 5 घंटे का समय दिया है। आज हम काश ये रियलिटी होता, काश ऐसा कोई विक्रम राठौड़ या विक्रम रातोड़ी नहीं मतलब कोई भी इंसान अगर ऐसा सामने आता और इस किस तरह भी भाई अगर ऐसे चेंज ला पाता ना, तो भाई आज हमारा इंडिया जो सिचुएशन से गुजरता ना भाई नहीं गुजरना पड़ता। डॉक्टर्स कितना चार्ज करते, एजुकेशन सिस्टम वाले कितना चार्ज करते, भाई गरीब लोग डूब डूब के मर रहे, डूब डूब के। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को या हमारे सोशल वर्कर्स को घंटा कुछ नहीं है, उनको अपना लगा पड़ना है, उनको अपना सिस्टम देखना है। बहुत अच्छा है, बहुत देख रहे हैं कि सिस्टम अगर ठान ले तो 10 साल का काम 5 घंटे में कर सकता है। देख रहे हैं कि सिस्टम अगर ठान ले तो 10 साल का काम 5 घंटे में कर सकता है। तो ना अंदर घुस नहीं सकते और ऐसी जगह पे लोग सो रहे। इस समय हमारे हर नागरिक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, विक्रम राठौड़। क्या दिख रहा है? हे एसी। We are witnessing that 5 hours are enough for what usually takes 10 to 20 years. Of course. The only thing required is the intent of the system. तुम्हारी डिमांड्स के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई और आगे भी ये काम चलता रहेगा। तो चलिए आपसे एक आखिरी चीज और मांग। अब और क्या चाहिए? इतना बड़ा कांड करने के बाद उबर में तो नहीं जा सकते ना, चौपर ज्यादा सही रहेगा। क्या बोलते हैं आप? सब सिखाया ना टेक्निक, टक 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 ऐसे जागने का, पैसा पकड़ने का। सही सही। गर्ल्स वॉच योर सिक्स। बॉम्ब नहीं फूटा, बॉम्ब लगाए थे ना लोग ने।
बॉम्ब नहीं फूटा, बॉम्ब लगाया था, ट्रैप हो गए भाई। लेकिन कूल दिख रही है यार, फुल फाइटिंग मीटिंग सब सिखाया चारों का सर ने। कल लड़ते ना वो अकेले, सब मस्त शॉट, मस्त शॉट है। गुड टू गो चीफ, क्या बीजीएम, क्या कैरेक्टर, क्या स्टोरी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऑल मैन, द टीम, द टीम मेंबर्स एंड द डायरेक्टर्स एंड द कास्टिंग मेंबर्स, आई लव यू ऑल। व्हाट द विजुअल मैन, व्हाट द विजुअल, क्या बात है भाई, अक्सर रेडी जवान तू। ताना ना ता, क्या बात है, टीजम भाई शॉट भी मस्त है। ओ पायलट को उड़ा दिया, देख नहीं पाए, लेकिन उसे देख नहीं पाए। मैम, आपने जो भी बालों के सैंपल्स मुझे दिए थे उनका टेस्ट किया है, वो किसी एक आदमी के नहीं है, 20, 30, 40, 60 अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के बाल। मतलब वीक है। यस मैम। एक काम करो, डिपार्टमेंट के बेस्ट ग्राफिक आर्टिस्ट को बुलाओ और विक्रम राठौड़ के इस इमेज को रेफरेंस की तरह यूज करो। 25, 35, 45 इन एज ग्रुप्स के सारे वर्शंस चाहिए मुझे। यस मैम। कल मिलते। पर कल तो आपकी शादी है ना मैम। हाँ, पर अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट लीड मिले तो डोंट हेजिटेट टू कांटेक्ट मी। इज दैट एन ऑर्डर मैम? यस इट इज। नमस्ते भाई, ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? कड़क भाई, कड़क कड़क। अभी इसके आगे की जो स्टोरी है अब देखेंगे आगे जाकर, तो मैं बस यही कहूंगा जिस तरह से आपने स्टोरी देखा भाई, मतलब मैं यही चीज बोलूंगा, हमारी इंडिया की जो रियलिटी को इन्होंने लीक किया, जिस तरह पहले आपने फार्मर्स के ऊपर उन्होंने स्टोरी बताया, फिर सेकंड अब जो स्टोरी बता रहे लोग जो हमारे मेन जो पॉलिटिशियंस लोग जो मतलब बड़े बड़े बातें करते भाई, जब इलेक्शन आता है जब लोग बोलते ना आकर आपको ये बोलता है कि सर मैं आपके साथ हूँ, सर हम इनके लिए वो कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग की यहाँ पे म्यूनसिपालिटी बोलते ना बाथरूम बना के लोग 5 साल तक घुल रहे थे, सिर्फ बाथरूम बनाते और घुल लेते भाई, गटर भर जाता है भाई, कचरे भी नहीं साफ होता है भाई, ऐसे जगह पे हम लोग रहते हैं ना, हम लोग ऐसे चीज़ हम लोग देख रहे हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि
जो चीज हम देख रहे हैं, हम लोगों को हमेशा ये होता है कि हमारे होने वाले फ्यूचर वो चीज ना देखे, क्योंकि उससे बदतर होने वाला वो चीज। और उनको पता होता है कि उनके होते हुए ये चीज जो उनको भरोसे से हमने वोट दिया है, वो चीज वो लोग करते ही नहीं। मतलब जो भरोसे से हमने उन पे एक बताया भरोसा किया था, उस भरोसे को लोग कभी फुलफिल करते ही नहीं। उनको बस उनको पता है कि भाई कोई बिल्डर आएगा, बिल्डर से पैसा उठाओ, कोई बोलता ना कोई अपना कोई बड़ा ब्रांड आया उनसे पैसा उठाओ। तो भाई इन लोग का सौ चीज़ें पता है भाई, मैंने खुद पार्टी बहुत पार्टियों में काम किया है, तो मेरे को बताना नहीं है मतलब ये सब चीज़ें, ये सब जो है बाहर की चीज़ें तो इसको छोड़ देते। लेकिन मैं यही बोलूँगा यार कि भाई ये जो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके इन चीज़ों को जानने से आपको पता चलेगा कि आपको अंधा काना किस पर भरोसा नहीं करना। जैसा आपने जनगण मन में देखा था सीरीज में, उन वो इस स्टोरी को इन्होंने लेके आया अपने एक डिफरेंट वर्जन के साथ। फार्मर्स को राइट्स देना, ऐसे डॉक्टर्स को राइट्स देना जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको फंसाया जाता है गलत केस बनाकर। तो मेरे को तो बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया था, इस वजह से मैं इस सीरीज़ को लाया था। अगर आप लोग इस सीरीज़ को प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं और आगे बनाऊंगा। अगर नहीं करोगे तो मैं सीरीज़ को रोक दूंगा, कोई बात नहीं। मैं यही बोलूंगा कि अच्छे स्टोरीज़ को देखना है तो देखेंगे साथ में, अच्छी स्टोरी को नहीं देखना है फिर भी मैं देखूंगा अकेला, लेकिन आप लोगों को नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। आप लोग जो चाहेंगे वही मूवी में आपका जो है ना रिएक्शन बनाऊंगा, ठीक है? तो बस ऐसे ही प्यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहो जो आपने हमेशा दिया है। ऐसे ही अपन और भी अच्छे अच्छे रिएक्शन देखते रहेंगे हमारे जवान मूवी का, और बात करेंगे और भी बहुत चीज़ है। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ इस सीरीज़ को, ना इस सीरीज़ बोल रहा हूँ, इस रिएक्शन को देखकर आपको क्या लगा। तो बस ये बोलूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं मिलूँगा आप सबसे बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।